भारतीय जनता पार्टी सत्ता में है, बड़े घमंड में है, तो कुछ भी कर सकते हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के 10 साल में जितने भी जो कहा सब झूठ, और झूठ के अलावा कुछ किया नहीं है। और जितना भी इन्होंने देश के लिए और देश की जनता के लिए केवल धोखा देने का काम किया। लोकसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहे हैं, वैसे वैसे चुनावी प्रचार तेज होता जा रहा है। इसी बीच बदायूं से सपा के उम्मीदवार घोषित किए जाने के बाद शिवपाल यादव पहली बार अपने क्षेत्र में दौरे के लिए पहुंचे। बदायूं की सीमा में घुसते ही शिवपाल यादव का जोरदार स्वागत हुआ। वहीं सीट पर सपा ने पहली लिस्ट में पूर्व सांसद धर्मेंद्र यादव को उम्मीदवार बनाया था, लेकिन सपा की तीसरी लिस्ट आई तो उसमें धर्मेंद्र यादव को हटाकर शिवपाल यादव को बदायूं लोकसभा सीट से प्रत्याशी बना दिया गया। इसके बाद शिवपाल यादव पहली बार बदायूं पहुंचे, इसके साथ ही उन्होंने अपना प्रचार अभियान भी शुरू कर दिया। वहीं शिवपाल यादव ने मीडिया से बात करते हुए मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधा है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी पर कोई मुद्दे तो है नहीं, और भारतीय जनता पार्टी सत्ता में है, बड़े घमंड में है, तो कुछ भी कर सकते हैं। देखिए, अब हम आ गए, शिवपाल सिंह यादव आ गए यहाँ, तो सलीम शेरवानी हमारा साथ देंगे, और जो भी रहे हैं उनको सबको हम ठीक कर लेंगे, मना लेंगे। आपको स्वीकार नहीं कर पा रही है, तो कैसे दिल में उतरेंगे आप? देखिए, सब साथ रहेंगे, सलीम शेरवानी हैं, जितने भी नेता हैं सबको मना लेंगे, उनके घर चले जाएंगे और सब ठीक रहेंगे। आप कह रहे हैं कि हम 80-80 सीटें यूपी में जीतेंगे, हराएंगे, ये कह रहे हैं आप जीतेंगे? मैं वही कह रहा हूं, वो कह रहे हैं जीतने का, हम हराएंगे। आप ये बताइए कि 2014 से केंद्र में मोदी जी की सरकार, 2017 और 2022 में प्रदेश में फिर से योगी जी दोबारा मुख्यमंत्री बने, आपके संबंध भी काफी मधुर है योगी जी से, तो क्या ऐसा आपने किया है या क्या उन्होंने ऐसा गलत किया है जो आप 80-80 सीटें जीत पाए? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के 10 साल में जितने भी जो कहा सब झूठ, और झूठ के अलावा कुछ किया नहीं है। अब यही बता दो, बधाई में हम बता दो, एक काम इनका बता दो, और समाजवादी पार्टी के जब नेताजी से लेकर प्रोफेसर से धर्मेंद्र से लेकर कितना विकास हुआ है, यहाँ एक काम बता दो, और जितना भी इन्होंने देश के लिए और देश की जनता के लिए केवल धोखा देने का काम किया। तो सुना आपने किस तरीके से शिवपाल यादव मोदी सरकार पर हमला बोल रहे हैं। वहीं अगर बात करें बदायूं लोकसभा सीट की, तो 2014 के लोकसभा चुनाव में सपा ने सीट पर जीत हासिल की थी, लेकिन 2019 के चुनाव में सीट पर भाजपा ने कब्जा कर लिया था। तो वहीं अब सपा ने एक बार फिर से इस सीट को हासिल करने के लिए कमर कसनी शुरू कर दी है, और इसी के चलते सीट पर पार्टी के दिग्गज नेता शिवपाल यादव को उम्मीदवार बनाया गया है। तो देखना होगा क्या कुछ होता है सीट पर, नजरें बनी रहेंगी। तब तक के लिए बने रहिए 4PM के साथ।